जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि Vivo X70 Pro का कैमरा टेस्ट करके उसका रिव्यू दूंगी। मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक किया है नाइट और डे लाइट में। इसके अलावा मैंने कैमरा का कुछ फीचर्स यूज़ किया है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मोर ऑप्शन में सुपर मून का फीचर्स दिया हुआ है। इससे आप मून का फोटो ले सकते हो 60x जूम तक। और इसमें और एक ऑप्शन है एस्ट्रो, जिससे आप तारों का फोटो ले सकते हो रात में एग्जैक्टली जैसे तारे दिखता है वैसे ही। और एक दिया हुआ है प्रो स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स का अगर आप फोटो लेना चाहते हो कुछ मोशन में, वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें नाइट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो ऑप्शन दिया हुआ है। आप कोई भी एक मोड पे फोटो ले सकते हो। नाइट मोड में रात के टाइम फोटो आप बहुत ही क्लियर आता है, आप देख सकते हो। इसमें इतना सारा फिल्टर दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड में भी स्टाइल, ब्यूटी और बुके तीन ऑप्शन दिया गया है। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो, जेस का अपना तीन चार इफेक्ट दिया हुआ है इसमें। इसमें और एक फीचर्स दिया गया है पोस्चर, जिसमें बहुत सारा पोस्चर दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसका रिव्यू मैं अभी फ़िलहाल दे नहीं पाऊँगी। तो इन फ्यूचर अगर मैं ये यूज़ करती हूँ, जब यूज़ करूँगी, तो इसका मैं रिव्यू दे दूँगी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिया है जो नाइट मोड में है, और कुछ डे लाइट में नॉर्मल फ़ोटोज़ लिया है। और सुपर मून का भी फीचर्स मैंने इसमें यूज़ किया है। सेल्फी मोड पे भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिया है जो 32 मेगापिक्सल का है। मैंने कुछ फूड्स का भी फ़ोटो कैप्चर किया है, तो आइए देखते हैं।
दोस्तों मेरे हिसाब से इस कैमरे का जो पिक्चर क्वालिटी है रात में नाइट शॉट इसका बहुत ही एक्सीलेंट आता है और डे लाइट में भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा ही है, आप जैसे देख पा रहे हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीवो X70 Pro का कैमरा कैसा